अभी आपने जो वीडियो देखा होगा, ये आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इंटरनेट पर वायरल होते हुए देखा। ये जो सारस के साथ व्यक्ति है, ये आरिफ खान है, इन्होंने आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे, ये सारस इनको बहुत ही गंभीर हालत में मिला था। इन्होंने इसकी सेवा करी और इसका पैर का जो जख्म था इसको सही किया। इससे मिलने अखिलेश यादव भी गए और सोशल मीडिया के बड़े बड़े यूट्यूबर वगैरह भी इससे मिलने गए। तो जब सारस को आरिफ के साथ रहना इतना ज़्यादा पसंद था, हालांकि आरिफ ना ही सारस को बंद करके रखा था ना कैद करके रखा था, कोई भी इशू नहीं था, आरिफ उसको आज़ाद रखता था। वह उसको सिर्फ सही करने के लिए घर पर लेकर आया था। उसने सोचा था कि अगर ये ठीक हो जाता है तो ये पक्षी खुद चला जाएगा। वह उसको अपने घर पे रखता था और अपने साथ ही उसको खाना खिलाता था, जैसे वो खुद रहता था वैसे ही रहता था। लेकिन उस सारस को आरिफ से इतना ज़्यादा लगाव हो गया कि वह अब कहीं भी जाता तो सारस भी उसके साथ साथ ही जाता। तो गवर्नमेंट ने उसको, सारस को, जो सारस था उससे अलग कर दिया। अलग तो कर दिया है, लेकिन अब वो सारस ना ही कुछ खा रहा है और ना ही वो कोई भी इंजॉयमेंट कर रहा है। लेकिन वो एक दूसरे से अलग होकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। आरिफ भाई की वीडियो आप लोगों ने देखा भी होगा, उसमें वो बोल रहे हैं, मेरा यार, मेरा दोस्त मुझसे जुदा हो गए, अब वो नहीं जी पाएगा, वो मेरे बगैर नहीं जी पाएगा और मैं भी उसके बिना नहीं जी पाऊँगा, मैं भी उसके बिना मर जाऊँगा। तो भाई, अगर आरिफ उसको कैद करके रखता तो उसका इसमें जुल्म था, वह उस पक्षी को आज़ाद करके रखा था। और अब वो पक्षी भी बहुत ज़्यादा उदास है। उसका कुछ वीडियो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये पक्षी को आज़ाद से पिंजड़े में बंद कर दिया है, अब ये पक्षी ना खाना खा रहा है ना कुछ भी। तो ये गलत है या सही है? मेरे ख्याल से तो ये सब गलत है, उसे आरिफ को वापस लौटाना ही चाहिए। तो आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर से बताएं। वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।